छात्रों गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम जो है पुतंतु का जो है वो बताए थे कि जो है प्राकोष का पुतंतु से संयोजन, या कह सकते हैं या पुतंतु का प्राकोष से संयोजन एवं जो है पुंकेसर के आसंजन के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम चल रहे हैं पुंकेसरों के आसंजन के बारे में, पुंकेसरों के आसंजन के बारे में चर्चा करने, एडहेशन ऑफ स्टेमंस, किसके बारे में, पुंकेसरों के आसंजन के बारे में चर्चा करने, एडहेशन ऑफ स्टेमंस। ध्यान दीजिएगा, पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से, पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से जैसे दल, परिदल या जो है अंडक, पुंकेसरों के अन्य भागों से जो है पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से जुड़ने को आसंजन कहते हैं। फिर समझिए, पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से जुड़ने की क्रिया को आसंजन कहते हैं। और यह आसंजन जो होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। नंबर वन दल लग्न एपिपेटलस, सेकंड परिदल लग्न एपिटेपलस, थर्ड पूजायन गायनेंड्रस। तो आइए जो है, तो कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, दल लग्न, परदल लग्न और जो है पूजायन। तो आइए हम चलते हैं जो है दल लग्न के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में दल लग्न, ध्यान दीजिएगा, जब पुंकेसर पुष्प के दल से जुड़े होते हैं, जब पुंकेसर पुष्प के दल से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न कहते हैं। जब पुंकेसर पुष्प के दल से जो है या प्रोला से जुड़े होते हैं तो उसे दल लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? दल लग्न। सेकंड जो है, आइए जो है परिदल लग्न। क्या है परिदल लग्न? परिदल लग्न किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब पुंकेसर परिदल से जुड़े होते हैं, जब पुंकेसर पुष्प के परिदल पुंज के परिदल से जुड़े होते हैं, पूरा डिटेल जानिए, जब पुंकेसर पुष्प के परिदल पुंज के परिदल से जुड़े होते हैं तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। जब पुंकेसर पुष्प के परिदल पुंज के परिदल से जुड़े होते हैं तो उसे परिदल लग्न कहते हैं। आइए थर्ड पूजायन। थर्ड पूजायन गायनेंड्रस। पूजायन इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? गायनेंड्रस। ध्यान दीजिएगा, जब पुंकेसर पुष्प के अंडर से जुड़े होते हैं, जब पुंकेसर पुष्प के अंडर से जुड़े होते हैं तो उसे पूजायन कहते हैं। जब पुंकेसर पुष्प के अंडर से जुड़े होते हैं तो उसे पूजायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूजायन कहते हैं। नेक्स्ट आइए चलते हैं अब पुंकेसरों की लंबाई के बारे में चर्चा करने। किसके बारे में? पुंकेसरों की लंबाई, लेंथ ऑफ स्टेमंस, किसके बारे में चर्चा करने, या हम क्या पढ़ते हैं अब पुंकेसर की लंबाई के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुंकेसरों की लंबाई ये जो है इसे दो भागों में विभक्त किया गया, या कह सकते हैं ये दो प्रकार का होता है। नंबर वन द्विध्रुवी डी डायमंड और सेकंड चतुर्ध्रुवी टेट्रा डायमंड। पुंकेसरों की लंबाई कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की, द्विध्रुवी और चतुर्ध्रुवी। आइए पहले समझते हैं कि द्विध्रुवी क्या है। द्विध्रुवी क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प में चार पुंकेसर होते हैं, जब या कह सकते हैं इसमें द्विध्रुवी में इसमें पुष्प में चार पुंकेसर होते हैं जिसमें दो पुंकेसर लंबे होते हैं और दो पुंकेसर जो होते हैं छोटे होते हैं। इसमें जो है द्विध्रुवी में पुष्प में चार पुंकेसर होते हैं जिसमें दो पुंकेसर लंबे और दो पुंकेसर जो होते हैं छोटे होते हैं। इसी अवस्था को जो होता है द्विध्रुवी कहा जाता है। सेकंड आइए चतुर्ध्रुवी टेट्राडायमंड। ध्यान दीजिएगा, इसमें पुष्प में छह पुंकेसर होते हैं, इसमें पुष्प में पुंकेसरों की संख्या छह होती है जिसमें चार पुंकेसर लंबे एवं दो पुंकेसर छोटे होते हैं। चतुर्ध्रुवी में पुष्प में छह पुंकेसर होते हैं जिसमें चार पुंकेसर लंबे एवं दो पुंकेसर छोटे होते हैं। इसी अवस्था को जो है चतुर्ध्रुवी कहा जाता है। लास्ट आइए जायांग। जायांग गायनोसियम के बारे में हम पढ़ते हैं। जायांग
क्या है, गाइनोसियम क्या है, या उसके बारे में क्या जानते हैं। आइए, जननांग जो होता है ये पुष्प का मादा जननांग तथा जो है सबसे भीतरी ये मुख्य भाग होता है। जननांग जो होता है पुष्प का सब जो है मादा जननांग तथा जो होता है सबसे भीतरी यौन जो है मुख्य भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, जननांग जो होता है ये अनेक कार्पेल्स, यानी कार्पेल का चित्र बना अंडक का, ये जननांग जो होता है अनेक अंडकों या कार्पेल से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अंडक तीन भागों अंडाशय ओवरी वर्तिका स्टाइल यौन जो है वर्तिकार स्टिग्मा से मिलकर बना। ध्यान दीजिएगा, यह है एक अंडक का चित्र, कार्पेल का चित्र। तो ध्यान दीजिए, हमने बताया कि प्रत्येक अंडक तीन भाग, ध्यान दीजिएगा, ये नीचे की ओर जो फूला हुआ भाग है ये ओवरी अंडाशय है, मध्य में जो है स्टाइल वर्तिका है, और सबसे ऊपर के जो घुंडी नुमा भाग है ये वर्तिका स्टिग्मा। इस प्रकार प्रत्येक अंडक जो होता है तीन भागों से मिलकर बना होता है, जो है अंडाशय वर्तिका और वर्तिका तीन भागों से मिलकर बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो है अंडक जो अंडकों के संख्या के आधार पर जो है ये जायांग जो है ये पांच प्रकार का होता है। अंडकों के संख्या के आधार पर जो है जायांग जो होता है ये पांच प्रकार का होता है। नंबर वन एक अंडकी मोनोकार्पल्ली, सेकंड दो अंडकी बाईकार्पल्ली, थर्ड बहु अंडकी पॉलीकार्पल्ली, फोर्थ पृथक अंडकी एपोकार्पस, फिफ्थ संयुक्त अंडकी सिंकार्पस। तो आइए हम चलते हैं कि जो है एक अंडपी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अंडपी जायांग क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब जायांग केवल एक अंडक का बना होता है, अंडक माने बीजों की लाइन, जैसे मटर है, मटर में जो आप देखें बीज की एक लाइन होती है तो उसे एक अंडपी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, जब अंडा पर अंडक केवल एक, जब जायांग सॉरी जब जायांग केवल एक अंडक का बना होता है तो उसे एक अंडपी मोनोकार्पेली जायांग जो होते हैं वो कहते हैं। आइए सेकंड द्वि अंडपी बाईकार्पेली, ध्यान दीजिएगा, जब जायांग दो अंडकों का बना होता है, जब जायांग दो अंडकों का बना होता है तो उसे द्वि अंडपी जायांग कहते हैं। जैसे आप उसमें सरसों में लीजिए, देखने में लगता है कि एक ही पार्ट है लेकिन अंदर से सेप्टम के द्वारा सरसों का फल जो होता है उसके अंदर जो है दो भागों में विभक्त होता है और उसमें बीजों की दो लाइन होती है। इस प्रकार जो होता है जब जायांग जो होता है दो अंडकों का बना होता है तो उसे द्वि अंडपी जायांग जो होते हैं कहते हैं। नेक्स्ट आइए बहु अंडपी पॉलीकार्पेली, ध्यान दीजिएगा, जब जायांग दो से अधिक या अनेक अंडकों का बना होता है, जब जायांग दो से अधिक या अनेक अंडकों का बना होता है तो उसे बहु अंडपी जो होते हैं वो जायांग कहते हैं। नेक्स्ट आइए पृथक अंडपी एपोकार्पस, पृथक अंडपी जायांग क्या है या एपोकार्पस जायांग क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब जायांग के सभी अंडक अलग अलग होते हैं, दूसरे से अलग होते हैं, पृथक होते हैं, जब जायांग के सभी अंडक जो है वो पृथक होते हैं या अलग होते हैं एक दूसरे से तो उसे पृथक अंडपी जो होता जायांग कहते हैं। नेक्स्ट आइए संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी सिंकार्पस, ध्यान दीजिएगा, जब जायांग के सभी अंडक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब जायांग के सभी अंडक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उसे जो है संयुक्त अंडपी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त अंडपी। अब आइए अंडाशय के बारे में चर्चा करना जरूरी है, ओवरी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा अंडाशय क्या है, ये अंडाशय जो होता है प्रत्येक अंडक का नीचे की ओर स्थित आधार भाग में फूला हुआ भाग होता है। ये जो है अंडाशय जो होता है प्रत्येक अंडक का नीचे की ओर आधार भाग में फूला हुआ जो होता है ये भाग होता है, और ये जो है निम्न प्रकार का होता है, अंडाशय जो होता है निम्न प्रकार का, सकते हैं दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का, नंबर वन उत्तरवर्ती सुपीरियर एंड सेकंड अधोवर्ती इंफीरियर। तो अंडाशय कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उत्तरवर्ती अंडाशय और अधोवर्ती अंडाशय। अब आइए चलते हैं उत्तरवर्ती या सुपीरियर ओवरी अंडाशय क्या है, उत्तरवर्ती अंडाशय क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प के अन्य अंग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं
जब पुष्प के अनंग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो उसे जो है उत्तरवर्ती अंडाशय कहते हैं। जब पुष्प के, या कह सकते हैं कि जब जो है पुष्प के अनंग जो है अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो उसे जो होता है उत्तरवर्ती अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट आइए अधोवर्ती इन्फीरियर। अधोवर्ती अंडाशय क्या ध्यान देगा, जब पुष्प के अनंग अंडाशय के ऊपर से, जैसे आपने कद्दू देखा है लौकी कुकुरबिटेसी फैमिली के सभी पौधों में पुष्प जो होता है अंडाशय के ऊपर, जैसे कद्दू आप देखेंगे तो फल नीचे होता है पुष्प ऊपर होता है, तो ध्यान दीजिएगा जब फल जो है अंडाशय ही का रूप होता है, अंडाशय ही बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा जब पुष्प के अनंग अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं तो उसे अधोवर्ती अंडाशय कहते हैं। जब पुष्प के अनंग जो होते हैं अंडाशय के ऊपर से निकलते हैं तो उसे अधोवर्ती अंडाशय कहते हैं। अब आइए दो चीजें और छूटी हुई हैं। अंडाशय कोष्ठकीय होता है, अंडाशय में जैसे आप मटर देखे हैं तो एक मटर की फली जो है आप उसमें एक डिब्बा दिखता है, उसी डिब्बे को कोष्ठल या लाकुल कहते हैं। तो आइए अंडाशय जो होता है कोष्ठकीय लाकुलर होता है और कोष्ठकों की संख्या के आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। अंडाशय कोष्ठकों की संख्या के आधार पर तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 एक कोष्ठीय मोनोलाकुरा, नंबर 2 द्विकोष्ठीय बाइलाकुरा और नंबर 3 बहुकोष्ठीय पॉलीलाकुरा। इस प्रकार से अंडाशय कितने प्रकार का होता है कोष्ठकों की संख्या के आधार पर, 3 प्रकार, एक कोष्ठीय द्विकोष्ठीय और जो है बहुकोष्ठीय। तो आइए चलते हैं एक कोष्ठीय या मोनोलाकुरा अंडाशय क्या है। ध्यान दीजिएगा जब अंडाशय में केवल एक डिब्बा या एक कोष्ठक होता है, जब अंडाशय में केवल जो है एक कोष्ठक या एक डिब्बा होता है तो उसको जो है एक कोष्ठकीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक कोष्ठकीय अंडाशय कहते हैं। दूसरा आइए द्विकोष्ठीय बाइलाकुलर। ध्यान दीजिएगा जब अंडाशय में दो कोष्ठक या दो डिब्बे होते हैं, जब अंडाशय में दो कोष्ठक या दो डिब्बे होते हैं तो उसे द्विकोष्ठकीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, द्विकोष्ठकीय कहते हैं। नेक्स्ट आइए थर्ड लास्ट बहुकोष्ठीय पॉलीलाकुलर अंडाशय। ध्यान दें जब अंडाशय में दो से अधिक या अनेक कोष्ठक होते हैं, जब अंडाशय में दो से अधिक या अनेक कोष्ठक होते हैं तो उसे बहुकोष्ठीय जो है अंडाशय कहते हैं। छात्रों इसके पहले हमने जो है पुष्प के विभिन्न भागों के विन्यास संयोजन और स्थिति के बारे में हमने चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं बीजान्यास प्लासेंटेशन। किसके बारे में चर्चा करने, बीजान्यास या प्लासेंटेशन के बारे में चर्चा करने। आइए उसके पहले बीजान्यास को जानने से पहले हम बीजांडसन या जो है प्लासेंटा को के बारे में चर्चा करते हैं। बीजांडसन या प्लासेंटा क्या है, बीजांडन्यास से जानने से पहले हम सबसे पहले बीजांडासन प्लासेंटा के बारे में चर्चा करते हैं या जानते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लासेंटा या बीजांडासन मृदुतक का बना हुआ अंडाशय के अंदर की भित्त पर लगा एक छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है जिस पर बीजांड लगे होते हैं। प्लासेंटा या बीजांडासन मृदुतक का बना हुआ अंडाशय के भीतरी जो है अंदर की या भीतरी दीवार पर लगा एक छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है जिस पर बीजांड लगे होते हैं। तो बीजांड के लगने के क्रम को ही बीजान्यास कहते हैं। इस प्रकार अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजान्यास कहते हैं। बीजान्यास क्या कहते हैं, क्या है अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजान्यास। फिर समझिए बीजांडसन मृदुतक का बना अंडाशय के भीतरी दीवार पर या भीतरी भित्त पर या अंदर की भित्त पर एक छोटा सा लगा उभरा हुआ भाग होता है जिस पर बीजांड लगे होते हैं। इस प्रकार अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को बीजांडन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड। आइए अब चलते हैं, हम पढ़ते हैं बीजांडन्यास के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा बीजांडन्यास जो है ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, नंबर 1 सीमांत मार्जिनल, सेकंड जो है स्तंभीय एक्सियल और थर्ड भित्तीय पेराइटल, फोर्थ
फोर्थ मुक्त स्तंभीय फ्री सेंटर, और फिफ्थ जो है आधार लग्न बेसल, और सिक्स जो है धरातलीय। इस प्रकार से बीजान्यास जो होता है दियर आर सिक्स टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, अर्थात बीजान जो होता है ये छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? छह। सीमांत स्तंभीय भित्तीय मुक्त स्तंभीय आधार लग्न एवं धरातलीय। अब आइए चलते हैं हम जो है मार्जिनल या जो है सीमांत बीजान्यास के बारे में। किसके बारे में? सीमांत बीजान्यास या मार्जिनल जो है प्लासेंटेशन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का बीजान्यास जो होता है एक अंडबीज जायांग में पाया जाता है। इस प्रकार का बीजान जो है सीमांत बीजान्यास जो होता है ये एक अंडबीज बीजान्यास में पाया जाता है। इसमें अंडाशय में केवल एक कोष्ठक होता है और बीजांड केवल एक अक्षीय संधिपथ जो है विकसित होता है। इस प्रकार का बीजान्यास जो होता है ये जो है एक अंडपी जायांग में पाया जाता है, और इसमें अंडाशय में केवल एक ही डिब्बा या एक ही कोष्ठक होता है, और बीजांड केवल एक अक्षीय संधिपथ। आपने चना मटर देखा होगा, उसमें चना की मटर की फली में एक ही डिब्बा होता है और बीज जो है कई स्थान पर एक अक्षीय संधि पर जो होता है वो बीज माने बीजांड ही बीज पद बदल जाता है, बीजांड लगे होते हैं। फिर समझिए, इस प्रकार का बीजान्यास एक अंडपी जायांग में पाया जाता है। इसमें अंडाशय में केवल एक कोष्ठक या एक डिब्बा होता है और बीजांड केवल एक अक्षीय संधि पर जो है विकसित होता है, एग्जाम्पल में चना मटर। नेक्स्ट आइए हम चलते हैं जो है स्तंभीय स्तंभीय बीजान्यास या एक्साइल प्लासेंटेशन के बारे में चर्चा करने। ध्यान दीजिएगा, स्तंभीय जो है बीजान्यास जो है अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से निकलता है। अक्षीय या कह सकते हैं इसमें बीजान्यास अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से निकलता है और पुष्प के अंडक के तट अक्ष की ओर बढ़कर मिल जाते हैं। इस प्रकार जितने अंडक पुष्प होते हैं उतने ही कोष्ठकों का जो होता है निर्माण होता है। फिर समझिए स्तंभीय बीजान्यास, ध्यान दीजिएगा इसमें बीजान्यास अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से निकलता है और पुष्प के अंडक के तट अक्ष की ओर बढ़कर मिल जाते हैं। इस प्रकार इसमें जितने अंडक पुष्प में होते हैं उतने ही कोष्ठकों का या डिब्बों का निर्माण होता है, एग्जाम्पल में गुड़हल आलू और टमाटर। एग्जाम्पल में वो गुड़हल आलू टमाटर। नेक्स्ट आइए भित्तीय बीजान्यास, भित्तीय या जो है पेराइटल प्लासेंटेशन। ध्यान दीजिएगा इसमें भी केवल एक ही कोष्ठक होता है। इस प्रकार के बीजान्यास में जो है अंडाशय में केवल एक ही कोष्ठक होता है और दो या दो से अधिक अंडकों के तट जहां पर मिलते हैं वहीं पर बीजाणसन विकसित हो जाता है तथा बीजाणसन की संख्या अंडकों के अनुरूप होती है। ध्यान दीजिएगा द्वितीय में इसमें भी केवल एक ही अंडाशय इसमें भी केवल अंडाशय में एक ही कोष्ठक होता है और दो या दो से अधिक अंडकों के तट जहां पर मिलते हैं वहीं पर बीजाणसन विकसित हो जाता है तथा बीजाणसन की संख्या प्लासेंटा तथा बीजाणसन या प्लासेंटा की संख्या अंडकों के तट के अनुरूप होती। एग्जाम्पल में पपीता मूली सरसों। फिर समझिए द्वितीय में इसमें केवल एक ही कोष्ठक होता है और दो या दो से अंडकों के तट जहां पर मिलते हैं वहीं पर जो है बीजांडासन विकसित हो जाता है तथा बीजांडासन की संख्या अंडकों के अनुरूप होती। एग्जाम्पल में पपीता मूली सरसों। नेक्स्ट आइए मुक्त स्तंभीय, नेक्स्ट आइए मुक्त स्तंभीय फ्री सेंटर। ध्यान दीजिएगा इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं और अक्ष का संबंध अंडाशय की भित्ति से नहीं होता है। मुक्त स्तंभीय में फ्री सेंट्रल में इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं और अक्ष का संबंध अंडाशय की भित्ति से नहीं होता है। फिर समझिए इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं और अक्ष का संबंध अंडाशय की भित्ति से नहीं होता है। एग्जाम्पल में कार्नेशन। नेक्स्ट आइए आधार लग्न, आधार लग्न बेसल, आधार लग्न बेसल। ध्यान
ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का बीजांड न्यास कंपोस्टी कुल के पौधों में, जैसे सूरजमुखी और गेंदा, इस प्रकार का बीजांड न्यास कंपोस्टी कुल के पौधों में पाया जाता है और इसमें पुष्प एक कोष्ठकीय होता है और बीजांशन पुष्पाक्ष के आधार पर विकसित होता है। आधार लग्न में इसमें जो है इसमें इस प्रकार का बीजांड न्यास कंपोस्टी कुल के पौधों जैसे गेंदा और सूर्यमुखी में पाया जाता है। इसमें पुष्प एक कोष्ठीय होता है और बीजांशन जो है पुष्पाक्ष के आधार पर विकसित होता है। नेक्स्ट आइए धरातलीय सुपरफिशियल, धरातलीय सुपरफिशियल प्लासेंटेशन या धरातलीय बीजान्यास। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये बीजान्यास अस्तंभिक बीजान्यास से मिलता जुलता है। अंतर इतने इसमें इतना ही केवल होता है कि अस्तंभिक बीजान्यास में बीजांड केवल केंद्रीय अक्ष के बीजांशन पर लगे होते हैं, परंतु कोष्ठकों की भीतरी दीवार पर बीजांशनीय ऊतक होते हैं जो अनेक बीजांडों को धारण करते हैं। फिर समझिए, जो है धरातलीय में ये अस्तंभीय बीजान्यास से मिलता जुलता है। इसमें अंतर इतना ही केवल होता है कि अस्तंभीय बीजान्यास में बीजांड केवल एक बीजांड केवल केंद्रीय अक्ष के बीजांशन पर लगे होते हैं, परंतु कोष्ठकों की भीतरी दीवार पर बीजांशनीय ऊतक होते हैं जो अनेक बीजांडों को धारण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है नीचे देखिए, ये जो है ये सीमांत मार्जिनल का चित्र है, जो है आधा सीमांत मार्जिनल जो है बीजांड न्यास का चित्र है। देखिए मटर की फली है बना हुआ है, ये कोष्ठीय होता है, ये जो है ये अक्षीय संध है जिस पर जो होते हैं ओव्यूल माने बीजांड, और जो ये रेखा देख रहे हैं ये जो है प्लासेंटा बीजांड संध, ये इसका चित्र है। ये सेकंड है अस्तंभीय, क्या है अस्तंभीय जो है यहाँ दिखा कर गया है कि इसमें बीजांड न्यास अंडाशय के केंद्रीय अक्ष से निकलते हैं, तो ये केंद्रीय अक्ष है और ये जो है क्या लिखा है इसमें बीजांड न्यास केंद्रीय अक्ष से निकलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यह दिख रहा है लेकिन जो है ये उल्टा होता है, ये सेंट्रल भाग से जो होता निकलता है। नेक्स्ट आइए भित्तीय, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल एक ही कोष्ठक होता है, लाक्यूल एक ही होता है, अन्य लाक्यूल नहीं होते हैं। ये भित्तीय का चित्र है और ये फ्री सेंट्रल मुक्त स्तंभीय का चित्र है। ये कार्नेशन लगी इस प्रकार का बीजांड न्यास जो होता है ये आपके नींबू में संतरा में भी पाया जाता है। और जो है ये दूसरा है, ये आधार लग्न है, ये सूर्यमुखी का बीज है और इसमें देखिएगा ये लाक्यूल है, ये अंडा बीजांड है। नेक्स्ट जो है ये अस्तंभीय, ये जो है धरातलीय है, ये सुपरफिशियल है, इसमें जो है ये अस्तंभीय बीजांड न्यास से मिलता जुलता है। और मैंने बताया कि इसमें अंतर इतना ही केवल होता है कि अस्तंभीय बीजांड न्यास में बीजांड केवल जो है केंद्रीय अक्ष के बीजांशन पर लगते हैं, परंतु इसमें कोष्ठकों की भीतरी दीवार पर बीजांशनीय ऊतक होते हैं जो अनेक बीजांडों को धारण करते हैं। जैसे आपने अनार देखा होगा, अंजीर देखा, इस प्रकार का बीजांड उसमें जो होता है पाया जाता है। छात्रों, हम ऑनलाइन क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।